मुंबई इंडियंस के तूफानी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2020 के एक मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों पर नाबाद 60 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 7 छक्के और 2 चौके लगाए। उनकी इस पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने राजस्थान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 195 रन बना डाले। मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल के इस सीजन में हार्दिक पांड्या ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया। उन्होंने ये कमाल सिर्फ 20 गेंदों पर ही कर दिखाया। कमाल की बात यह है कि हार्दिक पांड्या ने अपनी इस पारी में कुल 21 गेंदों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी पारी की आखिरी 12 गेंदों में ही 53 रन ठोक दिए, जिसमें 7 छक्के शामिल थे। हार्दिक पांड्या ने अंकित राजपूत के एक ओवर को बड़ा बनाया, जिसमें उन्होंने 4 छक्के लगाए। तूफानी पारी खेलने के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा कि ये पारी खेलकर बहुत मजा आया। मैं एक ऐसी ही पारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस सीजन अभी तक मेरे बल्ले से ऐसी पारी नहीं निकली थी। इस आईपीएल से पहले मैंने बहुत मेहनत की थी। अपनी लय में वापस आने के लिए मैं बस एक बड़ी हिट के इंतजार में था, ताकि मैं बड़े बड़े छक्के लगा सकूं, क्योंकि मुझे छक्के लगाना बेहद पसंद है। आज की पारी में मेरे बल्ले के निचले भाग से भी कुछ छक्के लगे। जिस बल्ले से हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेली, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये मेरा फेवरेट बैट है, जिसे मैं 3 सालों से बल्लेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं अपनी चीजों का बेहद ख्याल रखता हूं। इस मैच से पहले मैं अपनी बॉडी के सामने से गेंद को हिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मैंने टाइमिंग के साथ बॉल को हिट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं आसानी से गेंद को बाउंड्री पार भेज सकता हूं। हार्दिक पांड्या की इस आक्रामक पारी की बदौलत मुंबई ने 195 रन बना डाले, जिसकी एक समय मुंबई को उम्मीद भी नहीं थी। खुद पांड्या ने भी इस बात को माना कि हम इतने बड़े स्कोर की तरफ नहीं देख रहे थे, पर हम अक्सर बड़े बड़े स्कोर बार बार बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते हैं, वह शायद आने वाले समय में केएल राहुल का फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पांड्या ये कमाल कर सकते हैं या नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और आईपीएल के ऐसे और अपडेट्स देखने के लिए इस खबर को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।